दोस्तों नमस्कार मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर दोस्तों आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि उत्तराखंड पुलिस में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि उत्तराखंड पुलिस के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपके पास होने चाहिए अगर नहीं बने हैं तो आप उन्हें बना लीजिए क्योंकि एक आपको बताया एक कोरोना की वजह से और दूसरा कि हमारे जैसे तहसील है तो वहाँ तहसीलदारों की कमी है इसके अलावा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी जो आपके वहाँ से सर्टिफिकेट बनाने होते हैं या जो भी आप जहाँ से भी हैं उत्तराखंड में तो आजकल थोड़ी दिक्कत हो रही है तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप डॉक्यूमेंट पहले से अपने तैयार रखिए तो दोस्तों डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए इस वीडियो में आपको बताऊँगा इसके अलावा दोस्तों आयु सीमा को लेकर भी सवाल आ रहे हैं आपके तो आयु सीमा भी दोस्तों ज़रूर बढ़ेगी इसके अलावा आपको मैं उत्तराखंड पुलिस फिजिकल की वीडियो दे चुका हूँ जो नए हैं उनको बता रहा हूँ इसके अलावा दो हज़ार चौदह का पेपर दो हज़ार पंद्रह दो हज़ार सोलह का पेपर पुलिस का वो मैं आपको दे चुका हूँ इसके अलावा दोस्तों कल को वीडियो आएगी उत्तराखंड पुलिस कॉन्स्टेबल की दो हज़ार दस में जो पेपर हुआ था इसके अलावा दो हज़ार बारह में जो पेपर हुआ था वो आपको डेली उत्तराखंड पुलिस के जो पुराने पेपर हैं जो पहले पूछे जा चुके हैं वो आपको दूंगा उसके अलावा प्रैक्टिस सेट मैं आपको दे ही रहा हूँ तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए वो मैं आपको बता दूँ सबसे पहले आपके पास हाई स्कूल अगर आपने दोस्तों टेंथ किया है सभी ने किया है क्योंकि टेन्थ तो क्वालिफिकेशन ही नहीं है उत्तराखंड पुलिस के लिए तो टेंथ आपके पास टेंथ का जो है हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और आपकी मार्कशीट ये दोनों आपके पास होनी चाहिए तो ये तो आप सबके पास होगी उसी में आपकी डेट ऑफ बर्थ भी होती है इसके अलावा आपके पास ट्वेल्थ का आजकल तो दोस्तों जो एक ही सर्टिफिकेट है उसी में आपका जो है रिजल्ट भी आ रहा है और उसी में सर्टिफिकेट भी सब कुछ एक ही है आजकल तो इसके अलावा आपका ट्वेल्थ का होना चाहिए मार्कशीट और सर्टिफिकेट अगर आपने पहले किया हो ये तो आजकल आ रहा है तो पहले किया हो तो आपके पास ये सब होना चाहिए मार्कशीट और सर्टिफिकेट अब दोस्तों अब बात करते हैं आपके ये होना चाहिए दोनों उत्तराखंड से ही किया हुआ होना चाहिए तो अब बात करते हैं दोस्तों अगर आप किसी कारणवश अगर आप कहीं या सेंट सेंट कोई स्कूल से पढ़े हैं अगर आप दिल्ली से पढ़ें कहीं से पढ़ें दोस्तों तो आपके पास उसके लिए उत्तराखंड के आप निवासी हैं करके उसके लिए आपके पास उत्तराखंड का जो प्रमाण पत्र स्थाई निवास ये सब होना चाहिए तो अगर आपने दूसरी जगह से पढ़ाई की है तो अगर आप कहीं दूसरे कहीं बाहर से पढ़ें दिल्ली से या कहीं और जगह से पढ़ें तो आप कमेंट में बता सकते हैं तो ये आपके पास हाईस्कूल इंटर ये सब आपके पास होना चाहिए इसके अलावा आपने ग्रेजुएशन कर लिया है अगर आप पढ़ रहे हैं अभी तो ग्रेजुएशन पूरा हो गया आपका या अभी चल रहा है तो आप उसके भी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं अगर आपके पूरा हो गया है तो तभी लगा सकते हैं अगर आप अधूरे में हैं तो आप इसमें तो आप रहने दीजिए तो ये तो हो गया दोस्तों आपका टेंथ और ट्वेल्थ का अब दोस्तों एस सी इसके अलावा एस टी और ओ बी सी एस सी और ओ आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र वो भी दोस्तों तीन साल के अंदर मतलब कि तीन साल पुराना जिस डेट को आपने बनाया था उससे तीन साल तक इसकी जो है वैलिडिटी होनी चाहिए तो अगर आपकी ख़त्म हो गई है तो आप बना सकते हैं जो जो तीन साल के बाद तो अगर नहीं बनाया तो बना लीजिए अभी उसमें लगभग पंद्रह दिन का समय वैसे लगता है पर लेकिन ज़्यादा भी लग जा रहा है तो आप अभी उसको बना लीजिए इसके अलावा दोस्तों अगर आप ई डब्ल्यू एस आर्थिक रूप से गरीब इस श्रेणी में आते हैं तो आपको दस परसेंट का जो आरक्षण मिलता है तो इसमें आपको क्या फ़ायदा होगा कि दोस्तों अगर आप इसमें हैं जैसे माना आपको एक सौ साठ नंबर वहाँ पर मेरिट में चाहिए तो अगर आपके एक सौ पचास हैं तो तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो इसका ये फायदा रहता है तो आप इसको भी बना लीजिए अगर आपका नहीं बनाए तो अगर आप इसमें आते हैं तब अब दोस्तों अब आपको क्या बनाना है स्थाई निवास प्रमाण पत्र ये आपका पहले से बना होगा तो अच्छी बात है स्थाई निवास प्रमाण पत्र मूल निवास प्रमाण पत्र ये आपका बहुत जरूरी है तो ये आपका बना हुआ होना चाहिए नहीं बना है तो बना लीजिए अगर है तो अच्छी बात है निश्चिंत तो हो जाइए अब दोस्तों चरित्र प्रमाण पत्र आपको ये चाहिए होते हैं चरित्र प्रमाण पत्र तो एक तो स्कूल से बनता है बाकी वो आप एक जब आपका फिर पुलिस स्टेशन से आपको बनाना पड़ता है वो आप उसको बाद में बनाएंगे जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उस टाइम तो ये आपको चाहिए होता है पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र इसके अलावा दोस्तों आपको अपनी दस फ़ोटो चाहिए होती हैं आप अगर दस बीस जितनी फ़ोटो हैं अगर आप ये तो खैर आप बाद में भी खिंचा सकते हैं पर अगर खिंचा लेंगे तो अच्छी बात है ये जरूरी है तो पिछली बार दोस्तों जो भर्ती हुई थी वो उसमें ऑफलाइन फॉर्म भरे गए थे तो बहुत पहले की बात है तो लंबे समय से भर्ती नहीं आई है तो इस बार आपके जो फॉर्म भरे जाएंगे वो ऑनलाइन होंगे और हाँ दोस्तों अगर आप ओबीसी एससी एसटी हैं इनको जैसे आयु में भी छूट मिलती है तो आप वो भी आपको बनाना होता है तो उनके लिए स्पेशली है वो उनकी ज़्यादा होती है जैसे सत्ताईस साल तक होती है उनकी आयु सीमा तो उनको पहले से ही मिलता है तो अगर आप इससे हैं तो आप इसको भी बना सकते हैं इसके अलावा आपको बनाना होता है पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र पर्वतीय आपको बनाना होता है यह आपको बनाना होता है नैनीताल और पौड़ी इसके अलावा देहरादून तो अगर आप यहाँ से हैं इन तीन जिलों से हैं तो बाकी तो और सभी पर्वतीय जिले में आते हैं बाकी अगर आप यहाँ से हैं तो आपको पर्वतीय बनाना होता है इसके अलावा दोस्तों आपको बनाना होता है स्वतंत्र अगर आप स्वतंत्रता सेनानी से हैं तो आपको ये प्रमाण पत्र आप बना लीजिए इसमें भी कुछ छूट मिलती है ये दोस्तों जिला अधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए जिला अधिकारी से बनता है आप वहाँ जाकर अपने जिले में आप जिस भी जिले से हैं तो आप वहाँ से बना सकते हैं इसके अलावा दोस्तों कमेंट आ रहे थे कि होम गार्ड में है तो आपको क्या करना है तो होम तो गार्ड सेवा प्रमाण पत्र आपको बनाना होता है होम गार्ड सेवा प्रमाण पत्र आपको बनाना होता है और अगर आपकी तीन साल की सर्विस है तो आप तब इसको बना सकते हैं और ये बनेगा आपका जिला कमांडेंट होम गार्ड द्वारा निर्गत यानी कि आप जिला कमांडेट होम गार्ड द्वारा निर्मत निर्गत ही किया जाता है अगर आप जिस भी जिले से हैं तो आप अपने जिले से बना सकते हैं तो ये थी दोस्तों डॉक्यूमेंट संबंधित जानकारी तो बहुत जल्दी दोस्तों आपको भर्ती देखने को मिलेगी बार बार मैं आपको बता रहा हूँ पर आप लोग फिजिकल की भी तैयारी करते रहें इसके अलावा आप लोग रिटर्न एग्जाम की भी तैयारी करते रहें दोस्तों तो इसके अलावा यह था आज का वीडियो अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मैं सभी के जवाब देता हूँ और इसके अलावा कल को उत्तराखंड पुलिस पेपर से संबंधित जो मैंने पहले का बताया तो वो आपको मैं देने वाला हूँ आप उसके लिए भी तैयार रहिए इसके अलावा पुलिस के कुछ प्रैक्टिस सेट मैंने डाल दें आप उन्हें भी देख सकते हैं अपनी तैयारी को जांच सकते हैं तो थैंक यू फ्रेंड थैंक यू सो मच